नमस्कार दोस्तों, स्वागत है समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और झज्जर से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, सब्जी मंडी रहेगी अब केवल विक्रेताओं के लिए खुली। आम जन के सब्जी मंडी में जाने पर आने पर लगाया प्रतिबंध। कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के क्रम में जिला झज्जर में सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो, इस पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत झज्जर व बहादुरगढ़ में स्थित सब्जी मंडी परिसर में केवल विक्रेताओं को छोड़कर आम लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने आदेश में कहा कि जिला झज्जर में सभी सब्जी मंडियों में खुदरा विक्रेता, रेहड़ी वाला, दुकानदार, आपूर्तिकर्ता को छोड़कर अन्य लोगों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड के 188 के अधीन दंडनीय होगा। वहीं झूठ बोलकर राशन मंगाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, यह कहना है एसडीएम का। जी हां, किला कॉलोनी निवासी शिकायतकर्ता के घर मिला पर्याप्त राशन। एसडीएम सिखा ने कहा, झूठी सूचना देने वालों पर होगी कार्यवाही। जिला झज्जर प्रशासन ने कंट्रोल रूम में किसी ने फोन करके यह कहा कि किला कॉलोनी से बोल रहा हूं और जब उसके यहां राशन लेकर गए तो राशन पर्याप्त मात्रा में मिला, इसलिए यह आदेश दिया गया है एसडीएम झज्जर की ओर से कि झूठ बोलकर राशन मंगाने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो झज्जर से आ रही है, हम आपको बता दें कि 1 मार्च से अब तक तबलीगी जमात से आए लोगों का डाटा एकत्रित होगा। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है डोर टू डोर सर्वे। आप भी हेल्पलाइन पर दे सकते हैं आवश्यक जानकारी। आइए खबर आपको तसलीब से सुनाते हैं। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार अब 1 मार्च से आज तक तबलीगी जमात से जो भी व्यक्ति झज्जर जिला में आया है उन सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गहनता से सर्वे करते हुए ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए कार्य करने के निर्देश शुरू कर दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा है कि घर पर रहकर ही हम इस वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। सरकार व प्रशासन के नियमों की अनुपालना झज्जर जिला उल्लेखनीय ढंग से कर रहा है। डीसी झज्जर ने कहा कि जो भी व्यक्ति जमातियों के संपर्क में आया है वह प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 0251251318 व 1950 पर सूचना करे ताकि ऐसे लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए टेस्ट करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि जिला के स्लम एरिया व सघन आबादी वाले क्षेत्रों में अब घर घर सर्वे भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी देने के साथ ही ऐसे लोगों का पता लगाया जाएगा जो तबलीगी जमात से अथवा किसी की कोरोना संक्रमण से जुड़े विदेश से आए व्यक्ति की हिस्ट्री हो। उन्होंने आमजन को भी प्रशासन का सहयोग करते हुए कोरोना से बचाव की दिशा में उठाए जा रहे कदमों में सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि आमजन की सावधानी कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से दूर रखने में विशेष रूप से जरूरी है। लोग घरों में रहकर सकारात्मक तरीके से अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। उपायुक्त ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी कोरोना वायरस को मात देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान अवश्य रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की दवाइयों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवश्यक चीजों की कमी सरकार व प्रशासन की ओर से नहीं आने दी जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपायुक्त ने आम जन को आयुर्वेदिक उपायों को भी अपनाने के लिए